नमो आयर्याणं नमो अवज्रायाणं नमो गृहे सम्भसाय नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे मङ्गलं भगवान् विभो मङ्गलं गौतमोदय मङ्गलं कुम्भकुण्डाय जयं धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो श्री ज्ञान गोष्ठी परम उपकारी श्री गुरुदेव जी को पूछे गए प्रश्न पांच विषय है वेद विज्ञान और प्रश्न नंबर है 180। गुरुदेव जी को रात्रि चर्चा में जो प्रश्न पूछते थे गुरुदेव ने जो उत्तर दिया है वो इसमें प्रश्न वर्तमान में राग सहित होने पर राग रहित स्वभाव की श्रद्धा कैसे हो सकती है। प्रश्न क्या आप कहते हो कि आत्मा भगवान है, शुद्ध है, परम पवित्र है, उसकी दृष्टि करो, लेकिन हमारा आत्मा तो मैला है, अज्ञानी है, पामर है, और जब वर्तमान अवस्था ऐसी है तो परिपूर्ण शुद्ध भगवान आत्मा की श्रद्धा कैसे करें, कैसे माने कि मैं परमात्मा हूँ। जब तक हमारी पर्याय में राग विद्यमान है तब तक राग रहित स्वभाव की श्रद्धा कैसे हो। हाँ, ज्ञान मिट जाएगा, राग द्वेष मिट जाएंगे, तब हम कहेंगे कि मैं शुद्ध भूत चैतन्य गण हूँ, लेकिन अभी तो पर्याय में इतनी गंदगी है, इतनी पामरता है, और अभी से आप कहते हो कि स्वीकार कर कि मैं भगवान हूँ, ये कैसे स्वीकार करो, ये कैसे पॉसिबल है। हमारी नज़र में तो ऐसा आता है कि पहले राग छूट जाए, इसके बाद राग रहित स्वभाव की श्रद्धा हो। राग अवस्था में है तो मैं कैसे यकीन करूं कि जो भगवान आत्मा है वो वितराग स्वरूप है, उसका स्वभाव में वितरागता पड़ी हुई है। पर्याय में इतनी सारी अनित्यता है, मैं कैसे विश्वास करूं कि मैं नित्य हूं, मैं अजर अमर हूं, मैं कैसे विश्वास करूं। और मुक्ति के मार्ग में अगर जीव को सुखी होना है तो मुक्ति का मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष। ठीक, तो पहले सम्यक चारित्र नहीं लिया, पहले क्या लिया है, सम्यक दर्शन। क्योंकि जिसको सम्यक दर्शन होता है, मतलब आत्मा का दर्शन होता है, उसको ही सम्यक ज्ञान होता है, और जिसको सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान होता है वही मुक्ति के मार्ग में आचरण कर सकता है, उसका नाम है सम्यक चारित्र। तो मोक्ष मार्ग में क्या होता है कि टॉप बॉटम के अंदर क्या होता है कि राग परिणमन में राग होता है, लेकिन अंदर में राग रहित स्वभाव की श्रद्धा हो जाती है, फिर अंदर की स्थिरता बढ़ती है। तो पंचमूर्तता में 12 प्रकार के अनुव्रत और ढेर सारे नियम लग जाते हैं अपने आप, वो उपवास करता नहीं है, लेकिन खाना खाने का टाइम, खाना बनाने का टाइम भी उसको अखरता है। इसीलिए जो श्रावक होते हैं वो ये जो 20 पंचम अष्टमी ऐसे 11-14 ऐसे दिनों में उपवास करते हैं या फिर एकताना कर लेते हैं जैसी अपनी स्थिति। क्यों? कि ऐसे दिनों में वो ज़्यादा आराधना करना चाहते हैं अपने आत्मा को,
और क्यों ये बीज पांचम क्यों गिनी गई, एकम क्यों नहीं? क्योंकि आयु से कब बंद कैसे पड़ता है? दो बार जाने के बाद तीसरे में बंद। इसीलिए ऐसे दूज पांचम अष्टमी ऐसा गया है ग्यारह, क्योंकि वो दिन में बंधन नए कर्म का बंधन होता है, आयु से का वो ऐसे पड़ता है, इसीलिए वो सावधान हो जाते हैं उस दिन। उस दिन नीलोत्री नहीं खाते हैं, ऐसा कुछ जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं उतना बचाते हैं। तो राग उतना कम हुआ, अंतर की स्थिरता बढ़ी तो सहज में ऐसा राग कम हुआ, तो जीवन में अपने आप अनुग्रह आदि आने लगे। और भी ज़्यादा राग अंतर स्थिरता बढ़ गई और अंतर्मुहूर्त में आत्मा का निर्विकल्प अनुभव कर सकते हैं, ऐसी स्थिति आई तो पहले तो घर में ही सातवा गुण आता जाता है, बाद में वो मालूम पड़ता है कि मेरी कैपेसिटी है। अब वहाँ जाने के बाद, घर बार छोड़ने के बाद मेरे को कभी घर की याद भी नहीं आई, इतना पावर मेरे पास है, इतनी अंतर की स्थिरता है। तब वो अपनी साधना को और आगे बढ़ाने के लिए, श्रेणी लगाने के लिए वो कहाँ चले जाते हैं? वन जंगल में चले जाते हैं, दिगंबर मुनि बन करके चले जाते हैं। तो राग और भी कम हो गए, अब तो अशुभ भाव बिल्कुल नहीं आता। अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान पांचम गुणस्थान तक हो सकता है, क्या हो क्रमशः कम होते होते, लेकिन मुनिराज को तो अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान होता ही, इसकी जगह पर बारह भावना का चिंतन चलता है और अंतर में डुबकी लगाते हैं, अंतर्मुहूर्त में अंदर में भगवान आत्मा के दर्शन करते हैं। उत्कृष्ट साधना, हर वक्त में ऐसा प्रयत्न करते हैं कि बाहर आना ही नहीं, लेकिन फिर भी अस्थिरता के कारण षष्ठ गुणस्थान जो होता है उसका राग आ जाता है। तो कीर्तनकर भगवान की भक्ति में या पंचमावत के पालन में वो रहते हैं सावधानी पूर्वक, वो उनका व्यवहार चालित है, अंतर में स्थिरता करना वो निश्चित। इस प्रकार से सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, लेकिन सबका स्टार्टिंग कहाँ है? आत्मदर्शन से, सम्यक दर्शन से। जो जीव अपने आत्मा को नहीं जानता है वो कैसे आराधना कर सकता है कि भाई हमको जान बुला ही है, पत्रिका छपाई है, गाड़ी बुक हो गई है, सब हो गया है, लेकिन भैया वरराजा कौन है? वो तो अभी नक्की करना बाकी क्या। तो जिसको स्वयं का पता नहीं है कि मैं भगवान आत्मा हूँ और मैं अनंत काल से दुखी हूँ और मुझे सुखी होना है, जब तक यही पता नहीं है तब तक जितना भी करोगे सब व्यस्त है, उपवास करो तो भी व्यस्त है, माला गिनो, भगवान की भक्ति करो, जिन मंदिर बनाओ, शास्त्र छपवाओ, शास्त्र का अध्ययन करो, नग्न दिगंबर मुनिराज बन जाओ, सब व्यस्त। क्यों? शुरुआत यहाँ से होती है, मैं भगवान आत्मा परिपूर्ण तत्व हूँ, ऐसी श्रद्धा आने के बाद ही मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है, इसके पहले मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति नहीं है। धोखे से हम ज्ञानियों की नकल करके मानते हैं कि हम मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति कर रहे हैं, हम हमारे आत्मा के लिए दिन में एक आध घंटा भी देते हैं, तो ये हमारा धोखा है, हम ऐसा देते नहीं। अब यह कहते हैं कि पहले श्रद्धा करनी है, पहले आश्रय नहीं लाना है, और हमारी नजर क्या होती है? आचरण। ये बहुत बड़ी गलती है, ये बात गुरुदेव समझाएंगे अपने। यहाँ प्रश्न ये पूछा है कि वर्तमान में तो हमारे राग द्वेष परिणाम चल रहे हैं, अच्छे बुरे कई प्रकार के विचार आते हैं, वर्तमान में तो हमारी अवस्था ऐसी है, और सम्यक दर्शन के लिए ऐसी अवस्था का ध्यान करना कि परिपूर्ण शुद्ध आत्मा का ध्यान करना चाहिए, तो वो तो हमारे पास नहीं है क्या। और समय दर्शन होगा ही नहीं, क्यों? जब तक राग नहीं हटेगा समय दर्शन कैसे होगा? वर्तमान अवस्था में तो रागादि परिणाम, शुभ भाव तो करना चाहते हैं लेकिन होते नहीं, और अशुभ भाव करना नहीं चाहते हैं लेकिन सारा दिन उसमें ही। और समय दर्शन जो मुक्ति की शुरुआत जहाँ से होती है, उसके लिए तो हमको कैसा आत्मा चाहिए कि जिसमें अंश मात्र भी राग न हो, द्वेष न हो, पर्याय न हो, ऐसा शुद्ध आत्मा चाहिए। तो जब अवस्था में इतनी गड़बड़ है तो हम शुद्ध आत्मा को कैसे श्रद्धा में ला सकते हैं? हम कैसे माने कि हम भगवान आत्मा हैं? हमको तो लगता है कि हम रागी, द्वेषी, क्रोधी, मानी, पामर, अज्ञानी जीव हैं, हम भगवान ऐसा हमको नहीं लगता है।
और नहीं लगता है, इसीलिए हमको समय दर्शन नहीं होता है। अगर हमको लगेगा कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण शुद्ध हूँ, तो समय दर्शन हो जाएगा अभी, लेकिन हमको लगता नहीं। जानने में आया है गुरुदेव की कृपा से कि मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य ग्रहण हूँ, लेकिन महसूस नहीं होता। महसूस क्या होता है? रागी, द्वेषी, अज्ञानी, पामर, ये गड़बड़ है बहुत बड़ी। और जब तक ये महसूस होगा तब तक समय दर्शन नहीं होगा, और समय दर्शन नहीं होगा तो शाश्वत शांति का रास्ता हमारे लिए खुलने वाला। तो प्रश्न ये कि जब अवस्था में से राग द्वेष हट जाएंगे ना, पामर तो हट जाएगी ना, ज्ञान अज्ञान मिट जाएगा ना, तब हम मानेंगे कि हम परमात्मा, लेकिन अभी कैसे माने? उसका उत्तर क्या देते हैं देखिए। मतलब प्रश्न करने वाले को ऐसा है कि चलो आप बोलते हैं सब मानने को तैयार है, लेकिन पहले ये सब निकलना चाहिए। कौन सा? राग द्वेष और अज्ञान। ये निकले तो हम माने, वो निकले नहीं, बेकार का झूठ झूठ मान के क्या करना है? ये प्रश्न है। आप तरीका बताओ कि अवस्था में राग द्वेष होने पर भी हम आत्मा को शुद्ध माने और महसूस करें और समय दर्शन प्राप्त करें, ऐसा कोई रास्ता अगर आपके पास है तो बताओ। प्रश्न ये और उसका उत्तर दे। ऐसे जीव राग को ही अपना स्वरूप मानकर सम्यक श्रद्धा नहीं करते। क्या राग अवस्था में राग द्वेष से शुभ अशुभ परिणाम है, पुण्य पाप के संग विचार आते हैं, लेकिन ये कोई आत्मा का स्वरूप? ये हमारा अज्ञान है कि हम उनको अपना मानते हैं। राग को, द्वेष को, अज्ञान दशा को हम अपनी मानते हैं, ये हमारी गलती है। दशा स्वभाव नहीं है, क्योंकि दशा बदल जाती है और स्वभाव कभी बदलता नहीं है। समझ में आना पड़ेगा ये कैसे यार, कि स्वभाव किसको बोलते हैं, दशा किसको बोलते हैं। जैसे दूध, और तो दूध गाय के आंचल में से निकलता है, तो कैसे निकलता है? अकेला दूध निकलता है कि साथ में पानी भी होता है? और हम मिठाई बनाते हैं, जब पेड़े बनाना है तो पानी वाले दूध का बनेगा कि पहले उसको अलग करना पड़ेगा पानी को? निकले तो साथ में है, लेकिन अगर मिठाई बनाने वाले को मिठाई बनाना है तो क्या करता है वो? कि उसको गर्म करके क्या करता है वो? कि पानी को गर्म करके वो भाप बन जाती है, वो निकल जाता है, बाद में जो बचता है वो क्या है? वो खोवा। ये प्योर दूध है, ये खोवा है वो क्या है? प्योर दूध। और साथ में पानी है, उसमें से घी निकलता है कि एक खोए में से घी निकलता है? निकलता साथ में। तो जो अलग हो गया, जैसे पानी था वो अलग हो गया, तो ये साथ में भले रहता है दूध में, लेकिन वो पानी जो है वो दूध का स्वभाव नहीं, क्योंकि वो अगर हम प्रोसेस करेंगे तो क्या होता है? अगर हम कुछ इसकी प्रोसेस विधि करेंगे तो क्या होता है? कि पानी निकल जाता है। तो निकल गया ना, इसीलिए वो अपना स्वभाव नहीं। ऐसे अज्ञान दशा है, राग द्वेष है, शुभ अशुभ परिणाम है। अगर उसके ज्ञानी पुरुष बताए ऐसे सही विधि करेंगे तो क्या होगा? ये निकल जाएगी, अज्ञान दशा मिट जाएगी, ज्ञान दशा हो जाएगी, राग द्वेष मिट जाएंगे, वितरागता उत्पन्न हो जाएगी, परिणाम में जो अशांति फील होती है, आकुलता व्याकुलता होती है, वो मिट जाती है, शांति पैदा हो जाती है। ये क्या बताता है? कि जो निकल गया, जो मिट गया, वो हमारा स्वभाव नहीं है। अगर हमारा होता तो हमारे साथ रहता, लेकिन वो हमारा नहीं। इसीलिए परिणाम के अंदर अगर ये अशुद्धि है, दूध के अंदर पानी मिला हुआ है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना है कि थोड़ा गैस जलेगा या प्रोसेस थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इतनी बात, लेकिन उसको अलग तो हम कर सकते हैं। इसीलिए मेरे परिणाम ऐसे, मैं अज्ञानी हूँ, मैं पामर हूँ, ऐसा होकर के दुखी मत हो जाना। क्या आप सर पे हाथ देख करके मत बैठना कि अब क्या होगा, मेरे को तो नहीं होगा, हाथ में जाना, ऐसा हिम्मत नहीं हार जाना। ये बात जरूर है कि पर्याय में इतनी भी अशुद्धि नहीं रहनी चाहिए, लेकिन ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। इसीलिए आप राजी हो जाओ ये बात सुन करके कि हम सब परमात्मा हैं और मैं भी परमात्मा हूँ,
ऐसा ये बात सुने तो ऐसा ठीक है, ऐसा नहीं। गुरुदेव बोले कि ओ तुम भगवान आत्मा हो, तुम ऐसा नहीं सुनना है। कैसे सुनना है? ओ खुशी हो जाती है ऐसा। ये जो खुशी आती है ना, वो भव्यता के लक्षण। ओ हो, मेरे को अपने भगवान कहा, ऐसा हो जाना चाहिए। मैंने तो आज तक अपने को अज्ञानी माना था, और भगवान कोई शंकर है, कोई वैकुंठ में बैठे हैं, कोई नाग के उसके ऊपर बैठे हैं लेट करके, और लक्ष्मी जी पांव दबा रहे हैं फिर गला दबाने वाले हैं। ऐसे भगवान को हमने देखा क्या? मैं भगवान, मैं कहीं आपको धोखा तो नहीं हुआ है? क्योंकि हमने तो कभी अपने आप को भगवान नहीं स्वीकार किया। और सद्गुरुदेव क्या बोलते हैं? भैया तुम शिष्य कहाँ, तुम कौन हो? और जब शिष्य को ये बात समझ में आ जाती है कि गुरु मुझे भगवान क्यों कहते हैं, क्या मस्का तो नहीं लगा रहे? अगर शिष्य को ये बात समझ में आ जाए तो शिष्य क्या करता है? विनय करे, शिष्य झुक जाता है सदगुरु के चरणों में। और जब शिष्य झुक जाता है सदगुरु के चरणों में तो क्या होता है? अच्छा आ गया, डब्बे में आ गया, ऐसा बोलता है सदगुरु। क्या बोलते हैं? सदगुरु को प्रसन्नता होती, इसीलिए नहीं कि वो पैर पड़ता है। हाँ, उसने अपने भगवान स्वीकार किया है, इसकी मुक्ति निश्चित है। ओ आज अनंत जो भटकने जीवों में से एक जीव को ये स्वीकार हुआ कि मेरी भगवान आत्मा हो, अब इसकी मुक्ति निश्चित है। अब इसको कोई भी जीव, तीन काल तीन दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको मोक्ष में जाने से रोक सकेगा। क्या अभी समय दर्शन नहीं हुआ है उसको? लेकिन गुरु को प्रसन्नता क्यों होती है कि चलो मेरा जो एक गुरु का उपदेश दूसरों को फैलाने का जो था, मेरा जो एक मिशन था, उसमें थोड़ी मेरे को सफलता मिली। क्यों? सबको तो मैं नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन चलो आज एक जीव तैयार हुआ अपने आप को भगवान स्वीकार करने। इसीलिए गुरु क्या होते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। कृपावदेव ने लिखा है 76 में, एक सत्पुरुष ने राजी करवा मा, यानी सर्व इच्छा प्रशंसवा मा, पूरी करवा मा, अगर आखी जिंदगी गई तो वधु मा वधु 15 भवे तू अवश्य मोक्ष मा। देखो एक कृपावदेव का वचन, एक सत्पुरुष को तुम राजी कर दो। कैसे राजी करना? मुझे मेवा मिठाई खिलाना, उसको आरती उतारना, तो फोटो छपाना, उसकी भक्ति गाना, ऐसे प्रसन्न नहीं होते। आप स्वीकार करो उनकी ये बात कि मैं भगवान आत्मा हूँ। और जब दिल से स्वीकार करोगे कि मैं भगवान आत्मा हूँ, सत्पुरुष राजी राजी हो जाएंगे। देखो तो यहाँ क्या कहते हैं कि ऐसे जीव राग को ही अपना स्वरूप मानकर सम्यक श्रद्धा नहीं करते। अवस्था में राग है, समुद्र के ऊपर लहरें हैं, तो लहरें समुद्र नहीं है। समुद्र के ऊपर जब देखने जाते हैं तो क्या लहर दिखती है, लेकिन लहर समुद्र है कि समुद्र लहर से अलग है? समुद्र लहर से अलग, लहर अगर आती है तो मिट जाती है, समुद्र मिट जाता है? समुद्र वहीं का वहीं रहता है। समुद्र में लहर होती है लेकिन लहर में समुद्र होता है? दोनों अलग अलग है। इसलिए अवस्था में राग द्वेष है लेकिन राग द्वेष में आत्मा नहीं है। राग द्वेष अलग है, आत्मा अलग। इसलिए तुम ये लहरों को समुद्र मत मानो। क्या उनको ये राग द्वेष को आत्मा के मत मानो। वो है जरूर लेकिन कैसे हैं? क्षण मंगूर आएंगे, क्योंकि वो हमारा स्वरूप नहीं है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमको बुरे विचार आते हैं, हमको अच्छे विचार आते हैं, हमको कर्मों का बंधन हो रहा है, अभी हम कैसे छूटेंगे। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी सदगुरु ऐसा उपाय बताएंगे कि ये सब पर्याय में गड़बड़ चलते होते हुए भी हम द्रव्यों को देख करके मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा स्वीकार कर सकेंगे। क्या ये चलते रहेगी चक्की, मन की चक्की चलते रहेगी, उसको साइड में रखो और उसको ओवरटेक करके शुद्ध द्रव्यों को देखने से क्या हो जाएगा?
समय दर्शन की प्राप्ति हो। अभी विलय में हमारा मकान दिखता है कि नहीं दिखता है? कैसे दिखता है? अभी अभी तो अभी इधर बैठे हैं, कितने पहाड़ कितने जंगल है, ये दीवार है, मैं तो दीवार के पीछे वाला नहीं दिखता है, विलय का मकान दिखता है। कैसे? कि ज्ञान में वो ताकत है कि सबको ओवरटेक करके देखने की उसकी ताकत। क्या हमारे पास इतना बढ़िया ज्ञान है कि हम जैसा चाहे ऐसा कर सकते हैं, जिसको देखना चाहे देख सकते हैं, लेकिन हमको कभी अपने ज्ञान की महिमा आई? ये हमारी गलती। सदगुरुदेव कहते हैं कि पर्याय में राग द्वेष जरूर है, लेकिन तुम ज्ञान के द्वारा राग द्वेष को गौण करके अपने मूल स्वभाव को देखो, तुझे अभी भगवान आत्मा के दर्शन हो। इसका नाम वेद विज्ञान है। राग मिट जाए बाद में देखो तो कोई भी देख लेता है, अंधा भी देख लेता है। बलियारे किसकी है कि पर्याय में राग द्वेष है फिर भी हमको भगवान आत्मा को देख लो और ये देख सकते हैं। और बहुत आसान तरीका है, पल में काम होता है, पल में। वो बहुत कठिन है, ऐसा कभी वो उनकी बात नहीं सुनना, बहुत कठिन। और शास्त्र पढ़ो ने पूजा करो तो करने की बात आई तो भाग जाना वहाँ से, करने की और कुछ छोड़ने की बात आई तो वहाँ से भाग जाओ, भाई हाथ जोड़ लेते हो कि हमको नहीं सुनना है ये बात। बहुत इस अनंत काल में कितना छोड़ा होगा और कितना किया होगा, अभी भी पेट नहीं भरता, अभी भी वही करना है, कचरा कुंडी में जाना है, अभी वो हमको बात नहीं सुनना है। मैं भगवान आत्मा हूँ, ये बात करो करना है, मैं सुनने को तैयार हूँ। और कैसे देखना हो बता दो, दूसरी बात चाणन, दूसरी बात मुझे सुनना नहीं है। आपकी विद्वता आपके पास रखो, क्या आपका शास्त्र ज्ञान आपके पास रखो, आपकी पूजा भक्ति का नॉलेज आपके पास रखो, हमको नहीं चाहिए। हमको तो भगवान आत्मा की बात गुरुदेव ने सुनाई है, वो हमको सुननी है। वो कैसे देखें बता दो, बात फिनिश। शॉर्ट एंड स्वीट, काहे को इतने लफड़े में जाना है? क्या तो ये बात कहते हैं, प्रश्न क्या है कि वर्तमान में अवस्था मलिन है तो शुद्ध स्वभाव का ज्ञान कैसे हो, श्रद्धा कैसे हो, ये प्रश्न है, ये समस्या है। क्योंकि जो प्रश्न करने वाले को आत्मा का ज्ञान नहीं तो उसके लिए तो वो समस्या है कि मैं इतना राग द्वेष करने वाला, मुझे आत्मा के दर्शन कैसे हो सकते हैं? राग द्वेष मिट जाएंगे तो दर्शन कर सकते हैं। लेकिन सद्गुरुदेव के पास ऐसा चमत्कार है, ऐसा मंत्र है कि अवस्था चाहे जितनी खराब हो फिर भी वो आपको भगवान आत्मा का दर्शन करने की विधि बता सकते हैं। देखो, और सद्गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि तुम चाहे जितने तुमने पाप किए हो तो भी अगर तुझे तेरा स्वभाव देखना है, एक पल में देख सकता है। क्योंकि एक पर्याय जो है ना, पाप वाली पर्याय, दूसरे समय रहती है क्या? दूसरे समय तो नहीं पैदा होती है। और यही तो हमारे लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। अगर एक बार क्रोध किया तो दोबारा करना पड़ेगा, ऐसा जबरदस्ती हो तो फिर खत्म हो गई बात। लेकिन ये पर्याय का स्वभाव है, ये गलती है तो भी कैसी है? दूसरे समय में। अरे अनंत काल की गलती एक समय में मिटती है, अनंत काल की, कोटि वर्ष नो स्वप्न पॉइंट जागरूक कथा एम विभाव अनादिन राग द्वेष उठा पटक, अनंत काल से किया है ज्ञान तथा, एक सेकंड की बात है, एक नज़र काफ़ी है। भगवान कितना मिनट देखना, एक घंटा के दो घंटा आत्मा को, एक समय से एक सेकंड के अंदर असंख्य बार आत्मा का दर्शन करते हैं सिद्ध भगवान, कितनी बार एक समय में। और अपने को सुबह से एक घंटे में कितना, 60 मिनट 3600 सेकंड, उसमें अगर एक सेकंड नहीं मिल जाए तो बस अपना काम खत्म हो गया। एक सेकंड मात्र देखना नहीं होता है क्या अपने आत्मा को, भगवान आत्मा होकर राग से हटा करके नहीं देखना होता, कितना हार्ड लगता है, लेकिन एकदम एक सेकंड में काम होने वाला है। एक सेकंड काफ़ी है, वो एक सेकंड बहुत कीमती है, उसमें सबको भूल करके एक दफे आत्मा को देख लो, शुद्ध चैतन्य भगवान को देख लो, तेरा बेड़ा पार, तेरा जन्म मरण का अंत हो जाए, एक बार देख ले तेरे भगवान। यहाँ ये बात को, प्रश्न को उत्तर देते हैं गुरुदेव कि जो ऐसा जीव है, जो ऐसा मानता है कि अवस्था में मलिनता है तो मैं अवस्था से भिन्न शुद्ध परिपूर्ण शुद्ध भगवान आत्मा की श्रद्धा कैसे करूँ,
ऐसा जो मानता है, ऐसा जो उलझन में पड़ा है, वो जीव राग को ही अपना स्वभाव मानता है। ऐसा समझता है कि जैसे राग है ना, आत्मा में चिपक गया है, मिक्स हो गया है, अब उसको निकाल नहीं सकते। लेकिन ऐसा हुआ है, ये अंगूठी में सोना भी है और उसमें मिलावट भी है, ये 100% प्योर नहीं है, 22 कैरेट है, 24 कैरेट नहीं है, ठीक। तो अभी इसमें साथ में रहता है 10 साल तक, तो मिल गया होगा ना सोना और मिलावट, फिर मिल गई होगी कि नहीं मिल गई होगी। इसमें 10 ग्राम है, तो अभी वो जो लोखन भी डाला है समझो अंदर साथ में 2 ग्राम, तब 2 ग्राम लोखन जो है वो भी सोना हो गया होगा ना, अब तो 10 साल से पहने तो। क्या नहीं मिल जाता, अलग अलग ही रहता है। कितने काल तक अलग रहेगा, 100 साल के बाद तक तो भी अलग ही रहेगा, और कभी मिक्स होने वाले दोनों की जात जुदी जुदी है। एक खोखे में 100 साल तक रहे तो आत्मा खोखा बन जाता है, तो खोखा आत्मा बन जाता है, दोनों अलग अलग रहते हैं। ऐसे राग चाहे जितने काल से अपने अवस्था में हो, लेकिन कभी भी वो आत्मा बनने वाला नहीं है, और आत्मा कभी राग बनने वाला, दोनों का स्वभाव ही अलग अलग है। आत्मा जो है वो शुद्ध है और त्रिकाल शाश्वत रहने वाला है, और जो राग द्वेष के परिणाम है वो क्षण भंगुर है, अवस्था में होते हैं, दूसरे समय में नाश हो जाते हैं, तो अपना स्वभाव। लेकिन इसको श्रद्धा नहीं है ऐसा, क्यों श्रद्धा नहीं है, क्योंकि राग को अपना स्वरूप मानता है, इसलिए सम्यक श्रद्धा नहीं करते। जो राग को अपना मानता है, क्रोध को अपना मानता है, उसको सम्यक दर्शन नहीं होता है। जो अपने को कामर मानता है, अज्ञानी मानता है, उसको सम्यक दर्शन नहीं होता है। वो किसको देख रहा है, स्वभाव को कि अवस्था को? अब सम्यक दर्शन नहीं होता। आपको अवस्था देखनी है तो अवस्था देखो, स्वभाव देखना है तो स्वभाव देखो। स्वभाव को देखोगे तो सम्यक दर्शन होगा, और अवस्था को देखोगे तो अपना मिथ्या दर्शन चालू रहेगा। और सुखी होने के लिए क्या करना है, नज़र बदलनी है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, गाय के आंचल में से दूध निकलता है तो पानी वाला दूध देखना है तो वैसा भी देख सकते हो, और अकेला दूध देखना है तो ऐसा भी देख सकते हो। चाय बनाने में तो पानी वाला दूध काम आता है, क्योंकि चाय में क्या होता है, पानी भी होता है और दूध भी होता है। लेकिन पेड़े बनाने में जिसको पेड़ा बनाना है ना, वो कैसा दूध देखेगा, पानी बिना का दूध कब देखेगा, पानी है ना तभी देखेगा। तो भाई 1 लीटर है तो इसमें से 0.5 लीटर पानी चले जाएगा, बाकी कितना रहेगा, तो इतना बनेगा खोवा। उसको कब मालूम पड़ता है, पानी निकल जाने के बाद कि पानी है तभी मालूम पड़ता है। एक कमाल है, एक किसका कमाल है, नजर का कमाल है। मिठाई बनाने वाला दूध में से पानी के पोर्शन को कट करके ही देखता है। ये अपन अंगूठी बेचने जाएंगे तो 10 ग्राम है तो क्या बोलता है जावेदी, 8 ग्राम सोने का पैसा मिलेगा, अरे भैया 10 ग्राम है देखो कांटा। लेकिन उसको दूर से ही कैसा दिखता है, सोना कितना है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। देखो अभी साथ में है तो भी उसको अलग दिखता है, क्योंकि उसकी नजर किसके ऊपर है। लेकिन देखो डिजाइन इतनी बढ़िया है, वो डिजाइन मेरे को क्या करना है, मेरे को तो भट्टी में डालना है। क्या 8 ग्राम का पैसा मिलेगा, उन्हें कोई अगर आपको 9 ग्राम का देता है तो कोई पागल होगा, देगा उधर देखे, हमारे पास तो नहीं होगा ऐसा। देखो साथ में है तो भी वो डिजाइन को नहीं देखता है, उसमें जो नंग लगे उसको नहीं देखता है, किसको देखता है वो, और गोल्ड, गोल्ड कितना है इसके अंदर। तो ये नजर का कमाल है, होत आसवा परिसवा नहीं इनमें संदेह, मात्र दृष्टि की भूल है भूल गए गति। उपाध्याय ने हिंदी में भजन बनाया, वो तो आसवा परिसवा, आसवा माने आश्रम, राग द्वेष के परिणाम, पुण्य पाप के परिणाम। परिसवा माने परित्याग होता है, परि माने समस्त प्रकार से, त्याग माने खत्म होना, अब दोबारा नहीं आवे ऐसा। वो तो आसवा परिसवा नहीं इनमें संदेह, तू शंका मत कर, राग द्वेष को हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है,
लेकिन गलती क्या हो रही है, मात्र दृष्टि की भूल है, नजर में ही कमाल है और कुछ नहीं है। ये राजहंस के सामने है क्या, वो दूध रखते हैं तो क्या 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 करता है वो, पानी अलग, उसको गर्म करने की भी जरूरत नहीं। देखो राजहंस को गर्म किया हुआ अलग किया हुआ दूध देने की जरूरत नहीं है, पानी मिला हुआ दूध दे दो क्या होगा, क्यों पानी छोड़ देता है बर्तन में और दूध अकेला ले लेता है। राजहंस ऐसा करता है क्योंकि उसकी चांच में ही वो कमाल है। ऐसे ज्ञानी की नज़र में वही कमाल है कि शरीर भी है अंदर में राग द्वेष भी है, एक समय की क्षणभंगुर अवस्था भी है, लेकिन उसकी नज़र किसके ऊपर है, उसकी नज़र किसके साथ है, उसको पर्याय को बदलने की पंचायत नहीं है। ध्यान में बैठूं, उपयोग बाहर से अंदर लेके आऊँ, ये लफड़ा लफड़ा कौन करे, एक भी परिणाम को बदलना नहीं है और बदल सकता भी नहीं। त्रिकाणी ध्रुव परमात्मा, उसकी नज़र वहाँ से हटती नहीं है, हटेगी तो पराय में कुछ करने जाएगा ना, हटती नहीं है, क्या करेगा वो। देखो कि ध्यान में नहीं बैठना, आप कभी ध्यान में बैठते नहीं हो, सारा दिन मुमुक्ष लोग जारी चेक करते हैं। अरे भैया लेकिन अंदर से नज़र हटती नहीं है तो क्या करें, ये कौन करता है डायरी चेक, खोखा करता है कि आत्मा करता है, सोचता कौन है मन, जानता कौन है ज्ञान, लेकिन वो जानने वाली पर्याय भी मैं नहीं, मैं तो शाश्वत तक तक तो वो अलग बैठा है, उसकी नज़र वहाँ से हटती नहीं, किसकी, जिसको आत्मा का दर्शन हो गया है उसकी नज़र श्रद्धा की प्रणति ऐसी मजबूत बन गई है कि 14 ब्रह्मांड में खलबली मच जाए तो भी मैं परमात्मा हूँ ऐसी दृष्टि उसकी छुट्टी, आंधी आए चाहे तूफान आए, उसको कभी शंका नहीं होती है कि कभी मैं आत्मा तो नहीं हो, तो नहीं हो गया, बहुत दिन से ध्यान नहीं किया, चलो ना जाए देख लो क्या, कभी शंका आती है कि इसमें सोना जो पहले 80% सोना था, 20% वो दूसरा चांदी वगैरह मिला हुआ था, चेक कर ले मैं कहीं 50% तो नहीं हो गया है सोना, कितना भरोसा है, 100% भरोसा। हाँ 254 नंबर, निसंगता से निर्भयता और निर्भयता से असंगता, ऐसा नहीं है, पत्र नंबर 254 आगे नहीं बढ़ रहा है, प्रश्न तो सुन लिया लेकिन उत्तर नहीं बढ़ रहा है आगे। ऐसे जीव को राग को ही अपना स्वरूप मानता है और सम्यक श्रद्धा नहीं करता है, और पर्याय दृष्टि को छोड़ करके स्वभाव दृष्टि से अपने राग रहित स्वरूप का अनुभव नहीं करता है, कौन, अज्ञानी मिथ्यादृष्टि, उसके पास वो नज़र नहीं है, इसमें कितना सोना है उसके लिए नज़र कैसी चाहिए, जवेरी की नज़र चाहिए, छोटे मोटी और सच्चे मोटी मिल गए हो तो उसको अलग करने के लिए किसकी नज़र चाहिए, मोती के बाढ़ जो होते हैं ना जवेरी, वो अलग कर देगा, 100 मोती खोटे होंगे और इसके जैसा ही वही आकार का सच्चा मोती एक होगा तो पकड़ लेगा, ये सच्चा है, बाकी सब अलग है। अमेरिकन डायमंड और सच्चे डायमंड को परख किसको होती है, सेम, अमेरिकन डायमंड ज़्यादा चमकते हैं, वो हीरा थोड़ा कम क्वालिटी का होता तो नहीं चमकता है, लेकिन उसको मालूम पड़ जाता ये सच्चा हीरा है, ये सब छोटे हीरे हैं, कांच के टुकड़े हैं, ये अमेरिकन डायमंड, उसको नज़र में ही कमाल है, किस में कमाल है, ऐसा जिसको नज़र नहीं आती है उसको प्रॉब्लम है, वो किसको देखता है, अवस्था को देखता है, वो अवस्था के पीछे छुपा हुआ भगवान को नहीं देखता है। समुंदर को देखना है उसको लहरों से नज़र हटानी पड़ेगी, कब, जब लहरें मिट जाएगी तब, लहर कभी मिटती नहीं है, लहर तो हमेशा रहती है, लेकिन उसकी नज़र को चेंज करना है, तो लहर है तो भी लहर को नहीं देखना है, लहर है तो भी किसको देखना है, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हाँ कर सकते,
दूसरा एक प्रैक्टिकल दृष्टांत देता है, ये आगे बढ़ेगा नहीं लगता है यार, क्या हम आईने के सामने ऐसा बाल बनाते हैं, किसको देखते हैं, आईने को देखते हैं कि बाल को देखते हैं, नजर कहाँ है, आईने पर नजर और देखते बाल, देखते लक्ष्य बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं, देखते सामने है, बाल तो इधर है, हम देखते किधर है, तो उसको कंघी करते हैं क्या, ऐसा तो नहीं करते, देखो कैसा कमाल है, हमको देखना आता है लेकिन हमने प्रैक्टिस नहीं की, प्रैक्टिस नहीं क्या है, अगर ये प्रैक्टिस करना आ जाए तो बात क्या है, समय दर्शन क्या है, एक सेकंड में काम होता है, प्रैक्टिस नहीं की हम, घड़ी घड़ी हमारी नज़र पर्याय पे चले जाती, इतने राग इतने द्वेष इतना वो इतना फलाना दिखड़ा, पहले तो सबसे बड़ी गलती क्या है, मेरे को समय दर्शन कैसे हो सकता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मेरे को अभी इसी वक्त हो सकता है और मैं भी भगवान हूँ, भैया अभी शुरू करो आप, अभी कितना समय कितनी देर लगती है, एक प्रैक्टिस करते करते, जैसे रोटी बनाना नहीं आया कभी बनाया नहीं, तो रोटी बनाते हैं तो कैसी बनती है, हिंदुस्तान का नक्शा बनती है, लेकिन अगर बोले कि नहीं मेरे से तो नहीं होगा, दो चार रोटी बिगड़ गई तो नहीं होगा, और छोड़ देगा तो क्या होगा, लेकिन हम लोगों ने ऐसा किया है कभी, क्या किया है, प्रैक्टिस, कि आप भी मेरे जैसे हो, आप भी मेरे जैसे हो, आप बना सकते हो, मैं कैसा नहीं बना सकती, तो देख देख के क्या हुआ है, हमने प्रैक्टिस किया, एक बिगड़ा, दो बिगड़ी, तीन बिगड़ी, चौथी बिगड़ी, लेकिन नहीं हम तो बना के रहे, और प्रैक्टिस करते करते क्या हुआ, कि दसवीं ग्यारहवीं लोटी बराबर राउंड बन गई, फर्स्ट क्लास बन गई, सवाल क्या है, ओनली प्रैक्टिस, ज्ञाता बनने का अभ्यास करो, तो प्रैक्टिस करना है तो क्या करना है, अवलोकन, और जब अवलोकन बराबर प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर समय दर्शन होने में कितनी देर, तो एक सेकंड का कमाल नज़र फट जाती है, एक सेकंड की बात है और कोई बड़ी बात नहीं है, तो प्रैक्टिस का अभी पहले, लेकिन प्रैक्टिस कौन करेगा, पहले नक्की करो कि आप भगवान बन सकते हो कि नहीं, जो जो लोगों ने भूसा डाल दिया है ना, बहुत कठिन है वो, बहुत गड़बड़ किया है, एक तो आप पहले से ही निराश थे क्या होगा कि अनंत काल में नहीं होगा, ऊपर से दूसरे लोगों ने भूसा डाल दिया, अरे बहुत मुश्किल, उसको नहीं हो रहा है तो वो अपने पे डाल दिया मुसीबत क्या सही बात है, मैं भी बहुत ट्राई करता हूँ नहीं हो रहा है, आप भी मुश्किल है, वो सुन करके हम, हमारा जो पहले से मान्यता थी ना कि हमको नहीं हो सकता है, वो और मजबूत हो जाए, एक तो जहर पिया ऊपर से तेल पी लिया खत्म, परिणाम जो के वो अज्ञानियों का संग करेगा तो वैसा ही होगा, नहीं एक तो अज्ञानी था ही, इसमें गुरु भी अज्ञानी मिले, बीजा साधन बहु कर्या करी कल्पना अथवा असद गुरु थकी उल्टो अध्यो, और परेशान हो गया, पागल तो था ही, डबल पागल हो गया, ऐसा हो गया, क्योंकि पागलों की संगति करे तो कैसा होगा, पागल आदमी अगर डाया आदमी की संगति करेगा तो धीरे धीरे उसको असर गिरेगी, या तो डाया आदमी पागल हो जाएगा क्या, लेकिन वो होता नहीं है, क्या हजार मूर्खों के सामने भी अगर पागल नहीं है वो आदमी है, बिल्कुल साना आदमी है, वो क्या होता है, पागल नहीं होता, वो पागल की एक्टिंग करता है, आपके जैसा लड्डू खाता है, आपके जैसा हंसता है, जॉब करता है, टीवी देखता है, वो सब एक्टिंग करता है, लेकिन वो पागल कभी होता नहीं, क्यों, उसको मालूम कि मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा, लेकिन इनके साथ रहने से, एक्टिंग करने वाले के साथ रहने से क्या होता है कि पागल अच्छे हो जाते हैं, ये सत्संग का प्रभाव किसका है, सत्संग करोगे, ज्ञानी पुरुष की संगति करोगे तो क्या होगा, आप ज्ञानी बन जाओगे, आपका पागलपन छूट जाएगा, कि मैं रोटी बनाता हूँ, मैं दुकान चलाता हूँ, मैं स्कूटर चलाता हूँ, या तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम एक घास के तिनके के दो टुकड़े भी कर सकते, तुम अपने राग को भी नहीं हटा सकते, हटाना भी नहीं कभी जिंदगी में, सिर्फ नज़र बदलना, क्या करना, क्या नज़र बदलना, कि ये जो अवस्था है वो मेरी नहीं है, मैं तो भगवान आत्मा, ये अंगूठी में से हम देख करके अलग कर सकते हैं, सोने को अलग उसको अलग नहीं कर सकते, लेकिन भगवान आत्मा की अवस्था में जो राग है उसको
अलग करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अलग ही है, सिर्फ देखने की जरूरत है और देखने में ही कमाल है। सम्यक दर्शन का अंत, दर्शन माने क्या, देखना, सम्यक जैसा है वैसा देखना, नजर में ही कमाल है। और इतना आसान मार्ग है कि आप लोग आश्चर्यचकित हो जाओगे कैसा है, हमको अभी तक क्यों समझ में नहीं आया ये बात, इतना आसान हो सकता है कि ऐसा है। जिस समय क्षणिक पर्याय में राग है उसी समय राग रही त्रिकाली स्वभाव भी साथ में पड़ा है, या दोनों साथ में, समुद्र और उसकी लहर, लहरें दिखती है उस समय समुद्र है कि नहीं, वही है क्या? इसीलिए पर्याय दृष्टि को छोड़कर, नजर को छोड़ना है, पर्याय को नहीं छोड़ना है, राग को नहीं काट के फेंक देना है अलग से, क्या देह से भिन्न चैतन्य का बांध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहर पीना पड़ेगा, देह अलग हो जाए, आत्मा अलग हो जाए तब देखूंगा मैं, नहीं आपघात करने की कोई जरूरत, नजर बदलने की जरूरत, फिर पड़ता करना है नजर, तो क्या करना है कि पर्याय दृष्टि को छोड़ देना है और स्वभाव की प्रतीति करने पर उस प्रतीति के बल पर राग अल्पकाल में टल जाएगा, इसकी नजर बदलेगी ना, राग होते हुए भी जो परमात्मा को देख लेगा ना और स्वभाव की प्रतीति करेगा और बोलेगा और महसूस करेगा कि मैं भी भगवान आत्मा हूँ, तो क्या होगा, तो धीरे धीरे पर्याय में राग अपने आप कम, चौथे गुणस्थल में से पांचवें गुणस्थल में, पांचवें में से छठे सातवें में, यहाँ से श्रेणी लगा करके अनियंत अवस्था में ये अपने आप आएगा, उसकी फिक्र छोड़ दो, क्या आप तो सिर्फ नज़र बदल दो, राग को हटाने की चिंता मत करना, बेंसरी को इतना मत में है एक दूसरे नंबर का बोल, सब अपने हाथ में घर में है लेकिन हमने पढ़ा नहीं कर एकदम से, पढ़ डाला लेकिन पढ़ा नहीं, जिसे लगी है उसको लगी है 33 नंबर, जिसको वेदना होती है और भगवान आत्मा के दर्शन करना है, लगन लगी है तो रोना भी आता है, बेचैनी भी होती है, उलझन भी होती है, लेकिन अधिक खेद नहीं करना, ज़्यादा रोना नहीं, बहुत दुखी महसूस नहीं करना, वस्तु परिणामशील है, हमारी जो वस्तु कैसी है ये अवस्था कोई कायम रहने वाली नहीं है, गलती की है लेकिन गलती कायम थोड़ी रहने वाली है, दुखी होने की क्या जरूरत है, इतना कुटस्थ नहीं है वस्तु परिणामशील है, सुबह शुभ परिणाम तो होंगे ही, क्या उसको निकाल के अलग नहीं करना है, कब तक होंगे, 12वें गुणस्थान के अंत समय तक शुभ अशुभ परिणाम होंगे, 7वें गुणस्थान तक तो 6वें गुणस्थान तक शुभ अशुभ परिणाम होते हैं, इसके बाद क्या होता है अबुद्धिपूर्वक के रहते हैं, अशुभ परिणाम नहीं शुभ परिणाम रहते हैं 12वें गुणस्थान के अंत समय, शुभ अशुभ परिणाम तो होंगे ही होंगे, उनको छोड़ने जाएगा तो तुम शून्य हो जाएगा, छोड़ना नहीं है, राग को छोड़ना नहीं है, दोष को छोड़ना नहीं है, नजर पलटना है, अगर अलग करना होता तो बहुत मुसीबत है, जैसे दूध में से पानी को अलग करना है तो मुसीबत है, तो उसको गैस पे रख करके गर्म करना पड़ेगा, तब पानी जल जाएगा तब दूध हाथ में आएगा खोवा, लेकिन यहाँ पर भगवान आत्मा की अवस्था में जो राग द्वेष है उसको अलग नहीं करना है, सम्यक दर्शन अलग करने का नाम नहीं है, अलग करने का नाम किसको बोलते हैं मालूम, यथा क्या चारित्र, वो सम्यक चारित्र के खाते में गया, कौन सा, कि राग को अलग कर देना, वो तो बिना श्रेणी लगाए नहीं होगा, शुकल ध्यान होगा तो ही होगा, क्या वो ध्यान की अग्नि लगती है अंदर में, शुकल ध्यान की, उसमें ये राग जल जाते हैं, तो ये तो सम्यक चारित्र का विषय है, और आपको क्या करना है अभी सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन में क्या अलग नहीं करना है, अलग देख लेना है, अलग करने में कितनी तकलीफ और अलग देखने में कितनी तकलीफ, इसको रिंग में से अलग अलग करना है तो तकलीफ है, कम कारखाने बेचना, सोने के पास बैठना, चोरी नहीं कर लेते सामने देखते रहना, क्या उसको गर्म करना, और लेकिन अलग देखने में क्या तकलीफ है, बस यही बात है, सम्यक दर्शन माने क्या, अवस्था से भिन्न परमात्मा को अलग देख लेना और नक्की करना कि मैं पर्याय नहीं हूँ,
नहीं तो शाश्वत भगवान आत्मा हो। इतनी बात, इसका नाम समय दर्शन। जाओ मजा करो, आप खाओ पियो जलसा करो। राग को हटाना नहीं है। जो भगवान आत्मा को एक बार ऐसा देख लेता है, मतलब इसको समय दर्शन हो जाता है, उसको धीरे धीरे अपनी अवस्था में से राग धीरे धीरे कम होकर के खत्म हो जाता है। क्योंकि जिसको समय दर्शन होता है उसको ही सम्यक ज्ञान होता है, उसको ही सम्यक चरित्र होता है। पहले कौन सा चरित्र होता है? स्वरूपाचरण चरित्र। फिर अंदर की स्थिरता बढ़ती है तो देश चरित्र, और स्थिरता बढ़ती है तो सकल चरित्र, और फिर श्रेणी लगाता है और आगे बढ़ता है तो यथा क्या करें। तो राग अलग हो जाता है। अभी अलग नहीं करना है, अभी तो अलग उनको छोड़ने जाएगा तो तू शून्य अथवा शुष्क हो जाएगा। इसीलिए एकदम जल्दबाजी नहीं करना। एक दिन में भगवान नहीं बन सकते लेकिन ज्ञानी बन सकते हो। क्या समय दर्शन कर सकते हो, भगवान नहीं बन सकते। उसके लिए तो बहुत पापड़ फेंकना पड़ता है, बहुत अंदर में स्थिरता की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अभी तो देखने की प्रैक्टिस करना है, और बाद में किसकी प्रैक्टिस करना है? स्थिरता की प्रैक्टिस करना है। दोनों अलग अलग है। ये समय दर्शन बात करने के लिए और वो अंतर में जमने के लिए, रहने के लिए। इसलिए एकदम जल्दबाजी नहीं करना। मुमुक्षु जीव उल्लास के कार्य में भी लगता है, साथ में खटक भी रहती है कि जो मुझे चाहिए वो मिला नहीं है, मुझे जो करना है वो बाकी रह जाता है। ऐसा गहरा खटका उसको निरंतर लगा रहता है। कहने का मतलब है कि राग को अलग नहीं करना है। राग को स्वभाव से भिन्न हूँ, ये अवस्था में है, और मैं तो परिपूर्ण शुद्ध परमात्मा हूँ, ऐसा अलग अलग देख लेना। और देख लेने का नाम, और जैसा देखा ऐसा अपने को भगवान स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन करने वाला जीव, जिसको समय से होता है, वो कभी अपने को पामर नहीं मानता है, वो अपने को भगवान मानता है। मैं तो अभी सिद्धालय में बैठा हूँ, क्या बोलते हैं सुगाणी जी, वो जो श्रावक बनूंगा, मुनि बनाएगा, अरिहंत बनूंगा, वो किसमें होगा? अरे मैं तो अभी बैठा हूँ। ये देह देवालय है ना, ये सिद्धालय है। अभी के उसमें आएगा गुरुदेव जी का बोल, अपना मूर्ति के नीचे पढ़ने पड़ेंगे। ये बात तो वो देखने का कला है बस, और कुछ नहीं। तो क्या कहते हैं और है अपना अंक है ना अवलोकन का। अभी जिस समय एक क्षणिक पर्याय में राग है, उसी समय राग रहित त्रिकालीन स्वभाव भी साथ में पड़ा है। इसीलिए तुझे पर्याय को हटाना नहीं है, पर्याय दृष्टि को छोड़ देना है, नजर बदलना है। स्वभाव की प्रतीति करने पर उस प्रतीति के बल पर राग अल्पकाल में टल जाएगा। अब तो भगवान साथ में आ गया ना उसके, पहले राग साथ में था, अब किसके, अब भगवान के तो क्या हो गया, उसके साथ में तीन लोग। अभी नया नया अभी अभी का नया छोड़ो, ऐसा ही था, ऐसा ही करने ऊपर का हेडिंग नहीं मिल जाए। उस प्रतीति के बिना तो राग टलने वाला है ही नहीं। जब तक राग होने पर भी अवस्था में, अवस्था से अलग स्वभाव को नहीं देखोगे और अपने को भगवान स्वीकार नहीं करोगे, तब तक राग कभी भी टलने वाला। हम तो सब अपने आप को भगवान स्वीकार करके ही आए हैं यहाँ, लेकिन फिर क्या हो रहा है पता नहीं, परिणाम देखते हो तो क्या हो रहा है ना। तो ये स्वीकार आपने नहीं किया है, ये स्वीकार आपके बुद्धि ने किया है, आत्मा ने नहीं किया। अगर आत्मा अपने को भगवान स्वीकार करे तो उसका नाम सम्यक दर्शन। अभी का जो अंक आएगा ना उसमें, जैसा सिद्धालय है वैसा ही देवालय है। देह देवालय में अखंड आनंद रस की पोर, पूर्ण आनंद से भरपूर भगवान विराजमान है। कब भगवान हो जाएगा? तब अभी इसी वाले। सिद्ध दशा तो एक समय की पर्याय है, और सिद्ध स्वभाव कैसा है? ऐसी अनंत पर्यायों का पिंड है। उस देह देवालय में स्थित सिद्ध स्वभाव का ध्यान करने योग्य, वंदन स्तुति करने योग्य जो गंधर्व आदि है, वो भी अपने आत्मा का ही वंदन करते हैं। क्या
किसका? अपने अंदर श्री भगवान का वर्णन करते हैं। ऐसे हे ऐसे शुद्धात्मा का हे प्रभाकर भट्ट तू ध्यान कर, सिद्ध परमात्मा और देह में स्थित अपने आत्मा में थोड़ा भी भेद मत कर, तू साक्षात अभिषित भगवान। ये गुरुदेव से का वचन है। योग सार के ऊपर प्रवचन दिया था तो योगेंद्र में नहीं, प्रभाकर भट्ट नाम के उनके शिष्य को ये बात कहते हैं, उसका रेफरेंस गुरुदेव ने यहाँ पर दिया प्रवचन में। तो अपने को पामर मत मानो, नज़र बदल डालो। क्या कैसे होगा, कैसे होगा भगवान होकर के कैसे होगा बोलता है, पल में होगा क्या? बस प्रैक्टिस का सवाल है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस कौन करे, बुद्धि करे कि मन करे? ये प्रैक्टिस कौन करेगा? ज्ञान करे। इसलिए अवलोकन ज्ञान की आराधना, वेद ज्ञान ज्ञान की आराधना। जो अवलोकन की आराधना पूरी करता है मतलब बिगाड़ता है, अभी प्रैक्टिस करता है तो रोटी रोटी सही नहीं बनती, उसका नाम क्या है? अवलोकन। और फिर ऐसा करते करते रोटी सही बनती है, उसका नाम क्या है? वेद ज्ञान। काम वही है, अंदर में ही देखना है, बाहर देखना नहीं। तो पहले क्या दिखे? राग द्वेष के भाव, उसका नाम अवलोकन। राग द्वेष के भाव हट गए क्योंकि उसके ज्ञान का तेज वो सहन नहीं कर सकते, सब छुप जाते हैं। और फिर इसके पीछे जो भगवान आत्मा वो दिख जाता है तो उसका नाम क्या है? वेद ज्ञान। इतना ही बात, अवलोकन वेद ज्ञान में अंतर नहीं है। लेकिन पहले कौन सा होता है? ये ज्ञान की आराधना। पहले तो अवलोकन ही होगा, पहले कभी भेद ज्ञान होगा नहीं। सिस्टम से चलो, सिस्टम से क्या? पाँव उठाना है तो पहले पाँव रखो, बाद में उठाओ। ऐसे सिस्टम से ऐसे पहले अवलोकन करो, अंतर में देख करके, बाहर को भूल करके, पहले बाहर को भूल करके अंतर में भावों को देखो। और फिर भावों बाहर का नज़र हट जाएगी, फिर भावों को हटा करके द्रव्य को देखो। नज़र हटानी है बाहर से, नज़र लानी है कहाँ? भावों के ऊपर। और फिर अब दूसरा स्टेप, भावों से नज़र हटा दो और भगवान आत्मा पे नज़र, मतलब हो गई बात। इतनी सी बात है, काम तो इतना आसान है। तो क्या कहते हैं कि जब तक वो प्रतीति नहीं करेगा कि मैं भगवान आत्मा हूँ, राग कभी भी टलने वाला नहीं है, चाहे तुम ट्रेवलिंग की मुंजिया बन जाओ। क्या पूरे शास्त्रों का अभ्यास कर लो, 11 और 9 पूर्व तक, और पंचमावत 28 का पालन करो, हजारों साल तक तपस्या करो, राग तलने वाला नहीं। राग तले तो श्रद्धा करें, राग को खत्म करने के बाद ही मैं श्रद्धा करूँगा। क्या अर्थात पर्याय सुधर जाएगी तो ही मैं द्रव्य को स्वीकार करूँगा कि भगवान है। ऐसी मान्यता वाले जीव पर्याय दृष्टि है, पर्याय मूड है, मिथ्या दृष्टि, उन्हें स्वभाव की दृष्टि नहीं है। और वे मोक्ष मार्ग के क्रम को जानते हैं। मोक्ष मार्ग का क्रम क्या है? पहले में राग से भिन्न ऐसी दृष्टि होती है, और फिर अंदर में स्थिरता होने से धीरे धीरे राग। ये मोक्ष मार्ग का क्रम है। एकदम भगवान नहीं बनते, भगवान है जरूर लेकिन अवस्था में एकदम भगवान नहीं बनते। अवस्था में पहले मुमुक्षु बनते हैं अवलोकन करके, फिर आगे जा करके मुमुक्षु हट करके ज्ञान दशा आती है, फिर श्रावक दशा आती है, फिर मुन दशा आती है, और फिर अर्जन दशा आती है, इसके बाद सिद्ध दशा आती है। स्टेप से अवस्था में फेरफार होने के स्टेप से, लेकिन ये तो बाद में जब आने वाले होंगे आएंगे तो। लेकिन अभी हमको आत्मा का दर्शन करना है तो भगवान का नज़र बदल दें, नज़रिया चेंज कर दें। वे मोक्ष मार्ग के क्रम को जानते नहीं है क्योंकि वे सम्यक श्रद्धा के पहले सम्यक चारित्र करना चाहते हैं। देखो कैसा गुरुदेव ने जवाब दिया है, पूरे संप्रदाय में क्रियाकर्म में पड़े हैं, अपने यहाँ पंडितों का वो शास्त्र अध्ययन में पड़े हैं और चर्चा विचार ना करते हैं, लंबी लंबी निश्चय लेने व्यवहार लेने निमित्त ने उपादान कैसे चले गए रॉन्ग डायरेक्शन में। वो वर्तमान में अभी दृष्टि बदले बिना ही भगवान बनना चाहते हैं। केवल ज्ञान तो बहुत दूर की बात रही, सम्यक दर्शन भी नहीं होगा क्या ऐसा गलत काम करने से? इसीलिए कहा कि सब साधन बंधन था, गए न कोई उपाय, सत साधन समझो नहीं क्या बंधन सु। पढ़ी पढ़ी तुझे पद पंकजे, परी परी मांगू सदगुरु संत स्वरूप तू, ये दृढ़ता करी।
जीठा नहीं नीचे दोस्तों इसमें आता है। तर ये कौन सत साधन क्या है? सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें कि पहले तो घोड़े पर से नीचे उतर आए, मैं पामर हूँ ऐसा माना है ना, पहले नीचे उतर जाओ और दूसरे घोड़े पर चलो कि मैं भगवान हूँ, अब शुरू करो गाड़ी। ये सब शुरुआत में ही रोना धोना चालू, शुरुआत में तो हंसो कि मैं भगवान हूँ, शुरुआत तो हंसने से करो कि मैं भगवान हूँ करके ऐसा। रोते रोते क्या जाना है, शादी करना है मुक्ति रूपी सुंदरी से, फिर घर में आएंगे तो कैसे निभाऊंगा, शादी मत करो तुम्हारी योग्यता नहीं, क्या खिलाऊंगा, क्या खाऊंगा, क्या ये सब कहाँ रखूंगा, कह के वास्ते हंसते हंसते जाओ घोड़े पे बैठ करके जाओ राजी होकर के, बहुत रोती सूरत लेके क्या जाते हैं। ऐसे पहले से ही दृष्टि बदल देना और मैं भगवान हूँ ऐसा करके शुरू करो। आप अपना शुरुआत कैसे करना चाहिए, मंगल शुरुआत कैसे होती है? जब समय सार की आत्मख्याति टीका में सबसे पहले भगवान आत्मा को नमस्कार किया, नमो समय सारा है, और कुणाचार्य देव ने अनंत सिद्धों को कहाँ ला के बिठाया, अपने आत्मा में बिठाया, कैसी शुरुआत की है। और हम लोग रोते रहते हम पामर हम रागी हम जैसे जा, तुमको तो नहीं होने वाला, तुम तो भागो यहाँ से, डर गया सो डर गया, ऐसा सोले का डायलॉग याद कर लेना, डर गया सो मर गया, करना सो मरना सो गांधी जी का बात, कुछ करेगा तो मरेगा, ऐसा होगा नहीं, कार्य नहीं होगा ऐसा। परे दृष्टि से अपने को राग स्वाभाविक हो गए हो गए लगन गड़ियाल अच्छी है, उन्हें स्वभाव दृष्टि नहीं है और वे मोक्ष मार्ग के क्रम को जानते नहीं है, क्योंकि वे सम्यक श्रद्धा से पहले सम्यक चारित्र करना चाहते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती है। आगे का आधा पोर्शन देखेंगे।